हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रहेगा, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की ये वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इस सब्जेक्ट की जो भी पांचों यूनिट आ रही है उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, कई बार पिछले एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन कंपाइल करके लाया हूँ। पांचों यूनिट के क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपने आज की वीडियो और देखेंगे इन इंपॉर्टेंट थ्योरिटिकल क्वेश्चंस को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल पर को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एक बार चैनल पर वीडियोस को जरूर चेक कर लें, कई सारी आपके एग्जाम से रिलेवेंट जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं अभी रिसेंटली में अपलोड हुई हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर चेक कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो बतानी है, तो मैं इन्हें आपको शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, बाकी सारे मैंने आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में पहली आती है नॉन नेगेटिविटी, जो इसकी वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो से अबव होती है या जीरो होती है। फिर सेंसिटिव टू आउटलायर, मतलब जो ये अफेक्ट होता है वो आउटलायर, मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनसे अफेक्ट होता है। यूनिट, मतलब इसके अंदर जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी सेम यूनिट होती है, जो ओरिजिनल डेटा सेट की यूनिट होगी वही यूनिट। फिर रिलेटिव मेजर होता है ये, अफेक्टेड बाय स्केलिंग, स्केलिंग से अफेक्ट होता है, ठीक है। ये इसकी पांच प्रॉपर्टीज आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है या उसे एक्सप्लेन करना है आपको। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट है का मेथड जो कि क्या चेक करता है, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ इंडेक्स नंबर ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो इंडेक्स नंबर है वो कितना रिलायबल है और कितना कंसिस्टेंट है, ये चेक करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, रिवर्सिंग द रोल ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर इन द इंडेक्स कैलकुलेशन देन कंपेयरिंग द रिजल्ट विद ओरिजिनल इंडेक्स। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सके हैं, ये आपको कैलकुलेशन का बता रखा है, रिवर्सल किस तरीके से होता है और कंपैरिजन किस तरीके से करा होता है ये बताया, ठीक है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, ये अनदर मेथड है जो कि कंसिस्टेंसी चेक करता है इंडेक्स नंबर की, ये भी दूसरा ही मेथड है, दोनों चीज वही चीज चेक करते हैं, इंडेक्स नंबर की कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी के लिए यूज होते हैं, अलग अलग तरीके के मेथड है, बस कैलकुलेशन बता रखिए आपको रिवर्सल किस तरीके से करा जाता है, रिकैलकुलेशन और कंपेरिजन, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, डू यू एग्री। क्या बोला है, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट करता है। अब किस तरीके से अफेक्ट करता है वो आपको बताया कि कैलकुलेशन का मेथड है उसकी वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डेटा सेट होता है उसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से टोटल सम लेकर उनका, तो इससे वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो जाता है मैग्नीट्यूड से। फिर इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू कैसे आता है और ये एग्जांपल देकर आपको बता रखा है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वो क्या क्या कंडीशन है जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि क्या बताता है, एक नंबर की प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट ऑकरिंग इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड इंटरवल में कोई नंबर कितना ऑकर होगा वो चीज बताता है। एज्यूमिंग दैट दिस इवेंट ऑकर विद नॉन एवरेज रेट एंड इंडिपेंडेंटली एट टाइम सिंस द लास्ट इवेंट, और जो ये इवेंट है वो एवरेज रेट से माना जाता है, ऑकर होता है, ये चीज इसमें एज्यूम करी जाती है। पैरामीटर क्या होते हैं, तो लैम्बडा से इसे डिनोट करा जाता है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जो मीन होता है इसका वो एक्स होता है जो कि लैम्बडा होता है, वेरियंस क्या होता है वो भी लैम्बडा ही होता है, और इट इज अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन विद लॉन्ग राइट टेल व्हेन लैम्बडा इज स्मॉल, जब लैम्बडा कम होता है तो इसकी जो राइट टेल है वो लॉन्ग हो जाती है। अब वो क्या क्या कंडीशन है जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, जब फिक्स्ड इंटरवल हो तब, इंडिपेंडेंस हो मतलब जो इवेंट हो वो डिसजॉइंट हो, इंडिपेंडेंट हो तब, जब हमें एवरेज रेट पता हो तब यूज करते हैं, और रेयर इवेंट हो तब हम इसका यूज करते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो इंडिपेंडेंट वो इवेंट होते हैं जिसकी ऑकरेंस एक इवेंट की ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस दूसरे की ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस को अफेक्ट ना करे तो वो कहलाता है इंडिपेंडेंट इवेंट, और अगर इसका उल्टा हो जाता है तो वो कहलाता है आपका डिपेंडेंट इवेंट। अब एक इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है वो कब कहेंगे, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब उसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया है, कॉइन को फ्लिप करें तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, डाइस को रोल करें तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, और ड्रॉइंग ऑफ कार्ड करें तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। कैसे होता है आप इन्हें रीड करिएगा, ठीक है।
डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? ऐसे इवेंट जिसमें एक के ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस से दूसरे का ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस अफेक्ट हो तो उसे डिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है। उस किसी इवेंट को हम डिपेंडेंट इवेंट कब कहेंगे? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और साथ में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है? तो ड्राइंग ऑफ कार्ड विद रिप्लेसमेंट, ये आपका डिपेंडेंट इवेंट है। वेदर कंडीशन, ये आपका डिपेंडेंट इवेंट है। और सक्सेसिव बर्थ, ये आपका डिपेंडेंट इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले कोरिलेशन के बारे में डेफिनेशन क्या है। कोरिलेशन है वो हमारा क्या बताता है? स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन बताता है। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में क्या लीनियर रिलेशनशिप है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो कोरिलेशन बताता है। पर्पस क्या होता है? ये हमें बताता है कि जो दो वेरिएबल हैं वो कितने एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये हमें कॉजेशन के बारे में नहीं बताता है कि उनके रीजन क्या है रिलेटेड होने का, सिर्फ ये हमें रिलेशन के बारे में बताता है कि कितने रिलेटेड है। मेजर हम किस तरीके से करते हैं? तो उसे हम आर से डिनोट करते हैं। पता कैसे चलता है? अगर r 1 के इक्वल है तो परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, r माइनस 1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और r 0 है तो कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोरिलेशन xy इक्वल होता है, कोरिलेशन yx के। इंटरसेप्शन क्या है? तो ये कॉजेशन पर अप्लाई नहीं होता है। कैलकुलेशन किस तरीके से होती है? तो कॉमनली यूज्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंक्लूड पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पीयर्समैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कैंडल्स लॉ, इन तीन मेथड की मदद से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। रिग्रेशन क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि किस चीज के लिए यूज करी जाती है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए कि जो डिपेंड की जो ये रिलेशनशिप बताता है। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हमें किस चीज के बारे में बताती है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कितना रिलेटेड है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में रिग्रेशन बताता है। पर्पस क्या होता है? ये हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है और एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना डिपेंड है या बेस्ड है। मॉडल क्या होता है इसका? ये आपको इक्वेशन दिया है इसकी। टाइप्स क्या होता है? तो रिग्रेशन कैन बी सिंपल रिग्रेशन और मल्टी रिग्रेशन। एजम्पशन क्या है? रिग्रेशन एज्यूम अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, ये एज्यूम करता है कि वेरिएबल के बीच में एक कैजुअल रिलेशनशिप होती है। और एप्लीकेशन क्या है? यह हमें फोरकास्ट प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है किसके बीच में रिलेशनशिप वेरिएबल के बीच में, और रिसर्च और बिजनेस एनालिटिक्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव मॉडल क्या होता है वो बताना है। तो देखिए, जो एडिटिव मॉडल है उसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हम कंसिडर करते हैं सम, किन चीज़ों का, इन कॉम्पोनेंट का, टी का, एस का और ई टी का, जहाँ पर वाई टी क्या है, जो आपकी वैल्यू ऑफ वाई टी इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एट टाइम टी, टी रिप्रेजेंट ट्रेंड कंपोनेंट, एस रिप्रेजेंट सीजनल कंपोनेंट, एंड ये जो ई टी है डिनोट करता है ये हमें एरर टर्म। तो इन जब तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा एडिटिव मॉडल निकल कर आता है टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, इंटरप्रिटेबिलिटी होती है, और यूजेस इसका क्या होता है। एडिटिव मॉडल हम कब यूज करते हैं? जब हमें मैग्नीट्यूड या सीजनल फ्लक्चुएशन फाइंड करनी हो ओवर द टाइम। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होता है? उन्हीं तीनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल बन जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव इंटरेक्शन बताता है इन तीनों के बीच में रिलेटिव चेंज कितना आता है वो बताता है। और इसे हम कब यूज करते हैं? जब हमें प्रोपोर्शनली चेक करना हो कि मैग्नीट्यूड और सीजनल फ्लक्चुएशन कितना वेराई कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज चेंज। टाइम सीरीज डेटा के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो टाइम सीरीज डेटा के आपके कंपोनेंट होते हैं ट्रेंड, सीजनलिटी, साइक्लिक पैटर्न, इरेगुलर रेजिडुअल कंपोनेंट, ऑटो कोरिलेशन और स्टेशनरिटी। ये आपके कंपोनेंट होते हैं टाइम सीरीज डेटा के। आप इन्हें डिटेल में रीड कर लीजिएगा, सारा सिर्फ पढ़ने वाला है, इसमें कुछ भी समझाने वाला है नहीं, ठीक है। स्कोप एंड लिमिटेशन पूछी है स्टैटिस्टिक्स की। तो स्कोप क्या होता है? डेटा कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करा जाता है, डेटा एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस के लिए यूज करा जाता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में स्टैटिस्टिक्स का यूज करा जाता है, डिसीजन लेने में यूज करा जाता है, मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग करने में स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल और अश्योरेंस देने में क्वालिटी कंट्रोल वो स्टैटिस्टिक हेल्प करती है। लिमिटेशन क्या क्या हो जाती है? स्कोप ऑफ लिमिटेशन मतलब ये एक एग्रीगेट डेटा पर अप्लाई होता है, इंडिविजुअल या स्मॉल डेटा पर अप्लाई नहीं होता है, एजम्पशन और सिंप्लीफिकेशन पर बेस होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, कॉजेशन वर्सेस कोरिलेशन की लिमिटेशन आ जाती है, इंटरप्रिटेशन में चैलेंज आता है। अगर स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज है तभी इंटरप्रेट कर सकते हैं, वरना इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं।
एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न आ जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जो इवेंट और ट्रांजेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं और क्या क्या पॉइंट कंसिडर करने चाहिए जब इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करा जाए, तो इंडेक्स नंबर एक तरीके का स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि क्या बताता है, रिलेटिव चेंज बताता है एक वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल में ओवर द टाइम और अक्रॉस डिफरेंट एंटिटी। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, क्वांटिफाई एंड रिप्रेजेंट चेंज, जैसे कि प्राइस, क्वांटिटी, वेज, प्रोडक्शन लेवल, इन सारी चीजों में क्या चेंज आया ओवर द टाइम और उसकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं बेस वैल्यू से। क्या क्या पॉइंट कंसीडर करने चाहिए, तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करने का वो ध्यान में रखना चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, बेस पीरियड ढंग से सिलेक्ट करना चाहिए, किस बेस पीरियड के अगेंस्ट आपको कंपेयर करना है। फिर सिलेक्शन ऑफ आइटम और एंटिटी, किन चीजों को कंपेयर करना है, वेटिंग उनको सही से देनी चाहिए। डेटा कलेक्शन एंड सोर्स, सही डेटा और सही सोर्स से डेटा कलेक्ट करना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा हमें यूज करना है इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करते समय वो ध्यान रखना है, लेट बाय पास्ट ईयर फिक्सचर कौन सा। एडजस्टमेंट फॉर क्वालिटी चेंज, क्वालिटी के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी चाहिए। बेस पीरियड और इंडेक्स कैलकुलेशन का ये ध्यान रखना चाहिए और सीजनल एडजस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। डिफाइन स्क्यूनेस, हाउ इट डिफर फ्रॉम डिस्पर्जन, स्क्यूनेस क्या होती है, ये डिस्पर्जन से किस तरीके से डिफरेंट है, तो स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ असिमेट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल वैल्यू रैंडम वेरिएबल अबाउट इट्स मीन, एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का असिमेट्रिक मेजर क्या कहलाता है, स्क्यूनेस कहलाता है। इन सिंपल टर्म ये क्या बताता है हमें, डेटा इंडिकेट वेदर द डेटा पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर कंसंट्रेटेड मोर ऑन वन साइड ऑफ मीन अदर देन अदर, ये हमें क्या बताता है कि जो डेटा पॉइंट्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के वो एक साइड में कंसंट्रेटेड हैं या नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिक कब कहते हैं, जब वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल दिखे तब उसे हम सिमेट्रिक डेटा कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, तो कंसेप्चुअल फोकस है जो स्क्यूनेस है वो फोकस करता है शेप एंड सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर, वहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी स्प्रेड और वेरिएबिलिटी पर फोकस करता है। मेजरमेंट, स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, स्टैटिस्टिकल मेजर रहेगा स्क्यूनेस, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है सच एज स्क्यूनेस कोफिशियंट, इट प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल मेजर, ये हमें एक न्यूमेरिकल मेजर प्रोवाइड करवाता है। वहीं जो डिस्पर्जन है वो क्या है, ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है लेकिन किस चीज का, रेंज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह का, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन, तो स्क्यूनेस हेल्प कर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप समझने में हेल्प करता है। वहीं जो डिस्पर्जन होता है वो हमें ये बताता है कि जो डेटा है वो कितना स्प्रेड आउट है या कंसंट्रेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर के क्या मेरिट है क्या डिमेरिट्स हैं, तो मेरिट्स में आ जाता है आपका बैलेंस्ड अप्रोच है, कंपनसेट्स फ्रॉम बायस, किसी भी टाइप की बायस नहीं होती है, रिलेटिव एफिशिएंट होता है, मतलब बाकी मेथड से एफिशिएंट है और वाइडली एप्लीकेबल ये है। डिमेरिट क्या क्या है, तो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्वांटिटीज में डेटा चाहिए होता है, बेस और करंट पीरियड का कॉम्प्लेक्स है थोड़ी कैलकुलेशन, एजम्पशन पर बेस होता है, इंटरप्रिटेशन कॉम्प्लेक्स है इसकी, और कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है कंप्यूटेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन को एक्सप्लेन करना है आपको, तो ये क्या है, एक इसे हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट या पियर्सन आर भी कहते हैं, जो कि एक मेजर रहेगा किस चीज का, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ये हमें बताता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, जो कि दो वेरिएबल के बीच में क्या लीनियर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेंज एंड इंटरप्रिटेशन, तो पियर्सन की रेंज -1 से +1 के बीच में लाई करती है, +1 है तो क्या बताता है, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, -1 है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है, और 0 है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये आपको इसका फॉर्मूला दिया है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का। प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमेट्रिक होता है, मीन्स आपका जो ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन से निकल कर आता है एक्स वाई का, वो वाई एक्स के इक्वल होता है, आउटलायर से अफेक्ट होता है, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लाइसिंग क्या होती है, ये एक तरीका है जिसके अंदर जो अलग अलग सोर्सेज का डेटा होता है उसे एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है इन अप्रोप्रिएटली, मतलब बिना किसी स्ट्रक्चर्ड वे के, बिना किसी मेथड के इन्हें कंबाइन कर दिया जाता है प्रॉपर बिना एडजस्टमेंट के, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है और मिसमैच्ड कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आ जाती है डेटा की, तो उस चीज को कहा जाता है स्प्लाइसिंग, ठीक है। ये आपको इसी के बारे में बता रखा है, आप इन्हें एक बार रीड कर लीजिएगा कहाँ कहाँ स्प्लाइसिंग हो जाती है। कंसीक्वेंसेस क्या क्या हो जाते हैं, तो बाइस्ड एस्टिमेट आता है, मतलब गलत एस्टिमेट आ जाता है, मिसलीडिंग कंक्लूजन निकलता है, डेटा की इंटीग्रिटी नहीं रहती है और मेथोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी आ जाती है डेटा के अंदर। कोरिलेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो क्वांटिफाइंग रिलेशनशिप होती है, प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग में हेल्प करती है,
पैटर्न को समझने में हेल्प करता है, कोरिलेशन, वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं इसके अंदर, डायग्नोस्टिक टूल है, क्वालिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है और पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। तो ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, सारी चीजें मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करवा दिया, मैं आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट रीड करके एक बार बता दे रहा हूँ। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है, इसके मेरिट एंड डिमेरिट क्या है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक है जो कि बेस्ट फिटिंग लाइन और कर्व फाइंड करने में हेल्प करता है थ्रू अ सेट ऑफ पॉइंट, मतलब कुछ डेटा के आपको पॉइंट दे दिया, उनसे क्या बेस्ट कर्व बन सकता है या क्या बेस्ट लाइन बन सकती है उसे फाइंड करने में लीस्ट स्क्वायर मेथड हेल्प करता है। ये एक रिग्रेशन एनालिसिस का मेथड है जो कि किस चीज में हेल्प करता है, हमें रिलेशनशिप फाइंड करने में हेल्प करता है वेरिएबल्स के बीच में, और प्रिडिक्शन बनाने में हेल्प करता है डेटा जो हमारे पास है उसके बेसिस पर। मेरिट क्या क्या होते हैं, सिंपल हैगा, ऑप्टिमल हैगा, वर्सेटिलिटी होती है, इंटरप्रिटेबल होता है और स्टेटिस्टिकल इन रेफरेंसेस में होती है। डीमेरिट्स में क्या क्या आ जाता है, एजम्पशन ऑफ लिनियरिटी, सेंसिटिव टू आउटलायर्स, ओवरफिटिंग होती है, मल्टीकोलिनियरिटी होती है और डेटा की रिक्वायरमेंट होती है हमें एक्यूरेट और सफिशिएंटली लार्ज डेटा की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे हमारी जो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन वाली वीडियो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिया, आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।